नॉटी संजय राउत ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। शेयर तो किया था दूसरे मकसद से, समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए। पर क्लिप के वजह से एक बात सबके सामने आ गई कि जो दूर बैठा व्यक्ति है वो कुणाल जानी है, वही होटल बिजनेस वाला जिसको एनसीबी ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था ड्रग्स केस में। और ये व्यक्ति शाहरुख खान का भी करीबी है। इसकी नजदीकियां डीनो मौर्यो से लेकर महाराष्ट्र सरकार के कई यंग एमएलए और मिनिस्टर से भी है। और कल बैंड्रा में इससे ही रिलेटेड छापे भी पड़े थे। आप देख सकते हैं किनके करीबी हैं ये व्यक्ति। कुणाल जानी की गिरफ्तारी के बाद ही आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। कुणाल जानी जिस तरह की पार्टीज होटल्स में ऑर्गेनाइज करता है उससे आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स तो इनके पार्टीज में खुलेआम मिलते होंगे। अब ये लोग रडार पर है। शाहरुख को नवाब मलिक और उद्धव सरकार के नेताओं की करतूतों से और भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। शाहरुख खान और बॉलीवुड वालों ने तो सोचा होगा कि नवाब मलिक जो कर रहा उससे समीर वानखेड़े की बदनामी होगी और आर्यन खान को बेल मिल जाएगा। पर मंगलवार को और भी तगड़े एविडेंसेस के साथ एनसीबी कोर्ट में पहुंचेगी। दिवाली इस बार बॉलीवुड की अच्छी नहीं गुजरेगी। कौन जाएगा स्क्रिप्टेड मूवी देखने? रियल मूवी तो मीडिया में ही चल रही है।